नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गणेश चतुर्थी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, गणेश जी को जैसे स्वीट पसंद है वैसे सॉल्टेड भी पसंद है। हाँ, अब हम आपको बताएंगे सॉल्टेड कोलकाते कैसे बनाते हैं। सॉल्टेड फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल, एक ग्लास उड़द दाल, एक छोटा ग्लास नारियल ग्रेटेड किया हुआ, कड़ी पत्ता एक बड़ा सा, दो ग्रीन चिल्ली, एक थोड़ा स्पाइसी वाला और एक सादा वाला, एक रेड चिल्ली, जीरा, हींग, राई और तेल। हमने यहाँ तिल का तेल यूज़ किया है और सॉल्ट टू टेस्ट। उड़द दाल को हमने पानी में वॉश करके एक दो घंटे के लिए सोक किया है। मैडम आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हमने सोक किया हुआ उड़द को मिक्सी में डाल रहे हैं, ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा अच्छा और हमने चिलीज को काट दिया है छोटे छोटे और कड़ी पत्ता को भी छोटा छोटा काट दिया है। हम इसे थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, बहुत फाइन नहीं ग्राइंड करना है। देखिए दोस्तों, अब हम कढ़ाई में तिल का तेल डालेंगे 2-3 टेबलस्पून और वेट करेंगे गर्म होने तक। अभी हम तेल में राई, जीरा, और उड़द का दाल डाला है, चेंज होते ही हम उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और ये पीसा हुआ बैटर को डाल देंगे। स्टर करते रहिए। अभी हम इसको स्टर करते रहेंगे और ये नारियल भी ऐड कर देंगे उसमें और स्टर करते रहेंगे। इसका कंसिस्टेंसी देखिए, इसका बॉल्स कर सकते हैं हम, तो जब तो और थोड़ा टाइम हम इसको स्टर करते रहेंगे। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद इस ये अच्छा सा बॉल्स हम बना सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट बॉल्स बनाएंगे, थोड़ा सा एलोंगेटेड करेंगे ताकि ये इसका शेप जरा अलग रहे हमारा मीठा कड़कटे से। अभी हम ये सॉल्टेड फिलिंग के लिए आटा ले रहे हैं और उसको हम सेम तरीके से करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा शेप अलग रहेगा। इसको सिर्फ गोल घुमाना है बस और कुछ नहीं। उसको फ्लैट करके ये फिलिंग उसके बीच में रख के उसको हम सील कर देंगे साइड में। इस तरह हम सबको बना देंगे। इसमें ज़्यादा पतला होगा तो भी चलेगा क्योंकि इसमें शुगर नहीं है और वो लीक नहीं होगा, तो इट्स ओके इफ इट इज अ बिट। सो ऐसे हम सबको बना देंगे। के लिए तैयार है, हमने इसमें हल्दी का लीव्स है इसके लिए हमने रखा है,
कोई ज़रूरी नहीं है, बिना लीव्स भी कर सकते हैं, हमारे घर में था इसके लिए हमने हल्दी का लीव्स रखा है वहाँ। और पानी गर्म हो रहा है, हम अभी इसको मोदक के पीसेस को अंदर रख देंगे, कोरकटेक, और इसको बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए अभी हमारा सॉल्टेड कोरकटे भी तैयार हो गया है, बहुत अच्छा से रेडी हो गया है, 5 मिनट हमने रखा है स्टीम में। देखिए दोस्तों, हमने सॉल्टेड कोरकटे भी बना दिया है, यानी सॉल्टेड मोदक। इसे हम भगवान को अभी प्रसाद में चढ़ाएंगे, और इस सॉल्टेड कोरकटे को आप वैसे भी बना के स्नैक में खा सकते हैं। एंजॉय करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, घर में बना के देखिए, दोस्तों को बताइए, और सब्सक्राइब भी करिए साथ ही में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय गणेश।